Good morning students, today our topic is output impedance of emitter follower. इससे पहली वाली क्लास में हमने input impedance find out किया था और voltage gain भी emitter follower का निकाला था. अब हम निकालेंगे output impedance of emitter follower. इसके लिए circuit diagram जो है वो represent किया है. The output impedance of a circuit is the impedance that the circuit offers to the load. The output impedance of a circuit is the impedance that the circuit offers to the load. When load is connected to the circuit, the output impedance act as the source impedance for the load. And this figure below shows the circuit of emitter follower. ये circuit क्या है? Emitter follower का circuit है. Here RS is the output resistance of the एम्पलीफायर वोल्टेज सोर्स. जो एम्पलीफायर वोल्टेज सोर्स है इसका क्या है? ये आउटपुट रेजिस्टेंस है RS. इट कैन बी प्रूव्ड दैट आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द जेड आउट ऑफ द एमिटर फॉलोवर इज गिवन बाय जेड आउट. जो इसका है वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा. जेड आउट इज इक्वल्स टू इक्विलेंट रेजिस्टेंस और इक्विलेंट इम्पिडेंस of the parallel combination of R capital E and R E dash plus R in dash divided by beta. Z out output impedance Z out is equals to equivalent impedance of the parallel combination of R E and R E dash plus R in dash divided by beta. And here R in dash is equals to parallel equivalent resistance of parallel combination of R1, R2 and RS. R in dash is equals to equivalent resistance of parallel combination of R1, R2 and RS. In practical circuits, the value of R capital E is large enough to be ignored. इसमें क्या आर ई की वैल्यू जो है वो बहुत लार्ज होती है. तो इस कंडीशन में क्या है, हम इसमें आर ई डेस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं आर ई को. तो इस कंडीशन में फॉर दिस रीज़न द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ एमिटर फॉलोवर इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय. तो इस कंडीशन में क्या है, जब आर ई को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो जेड आउट जो होगी वो इक्वल आ जाएगी. जेड आउट इज इक्वल्स टू आर ई डेस प्लस आर इन डेस डिवाइडेड बाई बीटा. ये इसकी आउटपुट इम्पिडेंस होगी. नाउ एप्लीकेशंस ऑफ एमिटर फॉलोवर, इसके दो एप्लीकेशन हैं वो हम देखते हैं वन बाय वन. नंबर वन, करंट एम्पलीफिकेशन विदाउट वोल्टेज गेन. वी नो दैट एन एमिटर फॉलोवर इज ए करंट एम्पलीफायर दैट हैज़ नो वोल्टेज गेन. हम ये जानते हैं कि एमिटर फॉलोवर क्या है, करंट एम्पलीफायर है. ये हमने पहले भी डिस्कस की थी बात. एंड इट हैज़ नो वोल्टेज गेन. ये अभी हमने निकाला, प्रूव भी किया है कि इसका जो वोल्टेज गेन है वो कितना आता है, अप्रॉक्सीमेटली वन आता है. सो इट हैज़ नो वोल्टेज गेन. देर आर मैनी इंस्टेंसेज वेयर एन इंक्रीज इन करेंट इज़ रिक्वायर्ड बट नो इंक्रीज इन वोल्टेज इज़ नीडेड. तो कई जगह पर हमें क्या है, करंट हमें ज़्यादा चाहिए. तो उस कंडीशन में क्या है, जहाँ वहाँ पर ये एमिटर फॉलोवर काम में लिया जा सकता है. जहाँ पर हमें करंट ज़्यादा चाहिए और वोल्टेज ज़्यादा नहीं चाहिए, वोल्टेज बढ़ा हुआ नहीं चाहिए, वहाँ पर ये एमिटर फॉलोवर सर्किट यूज़ में लिया जा सकता है. देर आर मैनी इंस्टेंसेज वेयर एन इंक्रीज इन करंट इज़ रिक्वायर्ड बट नो इंक्रीज इन वोल्टेज इज़ नीडेड. इन सच ए सिचुएशन एन एमिटर फॉलोवर कैन बी यूज, इसको हम काम में ले सकते हैं. सेकेंड एप्लीकेशन है इम्पीडेंस मैचिंग. इम्पीडेंस मैचिंग में इसको यूज में लिया जाता है. वी नो दैट एन एमिटर फॉलोवर हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस. एमिटर फॉलोवर का जो इनपुट इम्पीडेंस है वो हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है.
दिस मेक्स एमिटर फॉलोवर इन आइडियल सर्किट फॉर इम्पीडेंस मैचिंग. इसके इसी वजह से क्या है, एमिटर फॉलोवर एक आइडियल सर्किट बन जाता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए. फिगर बिलो शोज द इम्पीडेंस मैचिंग बाई एन एमिटर फॉलोवर. फिगर बिलो शोज द इम्पीडेंस मैचिंग बाई एन एमिटर फॉलोवर ऑफ द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द सोर्स इसमें जो ये फिगर रिप्रेजेंट किया है, ये एमिटर फॉलोवर जो है इम्पीडेंस मैचिंग के यूज़ में आ रहा है. तो इसमें क्या है, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द सोर्स इज 120 किलो ओम वाइल दैट ऑफ लोड इज 20 ओम. जो आउटपुट इम्पीडेंस सोर्स का वो कितना है, 120 किलो ओम है और लोड का लोड है 20 ओम का. द एमिटर फॉलोवर हैज़ एन इनपुट इम्पीडेंस 120 किलो ओम. इनपुट इम्पीडेंस जो एमिटर फॉलोवर का 120 किलो ओम है और आउटपुट इम्पीडेंस एमिटर फॉलोवर का है 22 ओम. इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन हाई इम्पीडेंस सोर्स एंड लो इम्पीडेंस लोड. इसको हाई इम्पीडेंस सोर्स और लो इम्पीडेंस लोड के बीच में कनेक्ट किया जाता है. तो इसका रिजल्ट क्या होता है, द नेट रिजल्ट ऑफ दिस अरेंजमेंट इज़ दैट मैक्सिमम पावर इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू ओरिजिनल लोड. इससे क्या, मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है ओरिजिनल सोर्स से ओरिजिनल लोड में. व्हेन एन एमिटर फॉलोवर इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस इट इज़ कॉल्ड बफर एम्पलीफायर. जब एमिटर फॉलोवर इम्पीडेंस मैचिंग के काम में लिया जाता है तो इसको हम बफर एम्पलीफायर कहते हैं. और ये इसका सर्किट है. इसमें हम क्लियर देख सकते हैं कि हमने सोर्स और लोड के बीच में एमिटर फॉलोवर लगाया है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए.